तो आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जो कि हाल ही में लिस्टिंग हुआ है हमारे स्टॉक मार्केट में। तो अगर आपको डिटेल में जानना है, मतलब क्या है ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इसके शेयर प्राइस क्या है एंड अभी लोअर सर्किट क्यों चल रहा है, इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारा कुछ बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में स्टोरी क्या है, क्यों ये लोअर सर्किट दो तीन दिन से लगा रहा है। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिया ट्रेडर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो देखिए क्या हुआ है, मतलब कुछ दिन पहले एक न्यूज़ निकला था कि रिलायंस जो है वो डीमर्ज हो रहा है, या फिर उसका एक जो सेक्टर है वो डीमर्ज हो रहा है, जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो रिलायंस तो डीमर्ज हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस का एक पार्ट है, वो भी थोड़ा सेपरेट हो चुका है। इसके मतलब डायरेक्टर्स अलग होंगे, सीईओ अलग होंगे, एक सेपरेट सेक्टर बन चुका है। तो क्या है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, क्या है, जैसे हमारा बजाज फाइनेंस है, ये एक एनबीएफसी सेक्टर है। एनबीएफसी मतलब बैंकिंग तो नहीं बोल सकते, पर बैंकिंग रिलेटेड जो चीज़ करेंगे, मतलब अभी जो रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज है, जियो फाइनेंशियल सर्विस, वो क्या करेंगे, लेंडिंग में काम करेंगे, इंश्योरेंस में काम करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। ठीक है, उनका भी अभी तक मीटिंग नहीं हुआ, 28 अगस्त को उनका जो है ग्रुप मीटिंग होगा, उनके जो मतलब प्रेसिडेंट होंगे, सेक्रेटरी होंगे, या जो भी टॉप ऑफिशियल्स रहेंगे, वो एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग में वो लोग डिस्कस करेंगे कि उनको किस सेक्टर में काम करना है, क्या करना है। तो जनरली एक फाइनेंशियल सेक्टर है, जैसे बजाज फाइनेंस है, आप वैसे ही समझ लो, बजाज फाइनेंस का एक कॉम्पिटिटर मान सकते हो इसको। ठीक है, एंड बजाज फाइनेंस का तो आपने देखा होगा कि शेयर प्राइस कहाँ था एंड कहाँ तक पहुँचा, अभी थोड़ा नीचे है नो डाउट, पर बजाज फाइनेंस भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्टॉक मार्केट में। पर इसका मतलब ये नहीं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि बार बार तीन दिन से, मंडे को ये लिस्टिंग हुआ 261 में, उसके बाद 5% का लोअर सर्किट लगाया, उसके अगले दिन भी 5% का लोअर सर्किट, उसके अगले दिन भी, मतलब आज के दिन भी 5% लोअर सर्किट। तो तीन दिन से कंटिन्यूसली लोअर सर्किट क्यों लगा रहा है, वो हमको देखना है। देखिए क्या होता है, रिलायंस का जब डीमर्ज हुआ, तो जितने लोगों के पास भी रिलायंस के शेयर्स थे, उनको इक्वली उतने शेयर्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के मिल गए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मिल गए। तो देखिए, हम लोग तो छोटे छोटे मतलब रिटेलर हैं, हम लोग तो अभी स्टार्ट किए हैं, तो जो बड़े बड़े मतलब रिटेलर, मतलब ऑपरेटर रहते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो रहते हैं, उनको भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर मिले होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए, जब हमको ये मतलब फंड मैनेजर होता है, या फंड मैनेजमेंट सिस्टम जिसको कहा जाता है, इंडेक्स फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, इन लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड, मान लो किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड है, मान लो आईसीआईसीआई का एक म्यूचुअल फंड है, तो उसका वेटेज होगा, वो बैंकिंग सेक्टर में मान लो 15% का वेटेज रहेगा, फिर क्या स्टील इंडस्ट्री का 15% का वेटेज रहेगा, वैसे आपको वेटेज ले लेके काम करते हैं। तो एनबीएफसी शायद उनके लिस्ट में रहे ना रह सकता है, तो इसका मतलब देखिए, उनको एनबीएफसी का एक शेयर मिल चुका है, पर उनको वो शेयर चाहिए नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे, अभी सेल करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं, मैंने एक बार सुना है कि वॉरेन बफेट मतलब जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने आज तक कभी बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, उसका एक रीज़न है, वो किसी दूसरे दिन बात करेंगे, पर वो कभी भी बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो मान लो उनके पास अगर रिलायंस का शेयर पड़ा हुआ था, तो उनको अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर मिल गए होंगे, तो वो तो बैंकिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो वो अपने पोर्टफोलियो में उसको क्यों रखेंगे, वो क्या करेंगे, सिंपली उसको सेल कर देंगे। ठीक है, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का यही रहता है कि वो लोग वेटेज पे ज़्यादा प्रिफरेंस देते हैं, ना कि नाम का। ठीक है, नाम से उनको मतलब नहीं है, वो उनका रहता है मतलब स्टील इंडस्ट्री से कुछ लेते हैं, फिर आईटी सेक्टर से कुछ कंपनी उनके पोर्टफोलियो में रहता है, फिर आपका क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर का कुछ कंपनीज उनके पोर्टफोलियो में रहते हैं, उस हिसाब से वो काम करते हैं। शायद वो एनबीएफसी को प्रीफर ना करें, या अगर भी एनबीएफसी को करते रहें, पर जैसे उनको ये फ्री मिला, वो शायद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में कंफर्टेबल नहीं है, तो वो सेल किए होंगे, तो इसके वजह से बार बार लोअर सर्किट लगा रहा है। इसका स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है, मतलब स्टॉक बुरा है या अच्छा है, इससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। अभी लोअर सर्किट लगा रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक बुरा है, स्टॉक अच्छा भी हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा देर बाद डिस्कशन करेंगे।
पर मेन रीजन उसका प्राइस जो कम हो रहा है, जो लोअर सर्किट बार बार लगा रहा है, उसका सिर्फ एक वन एंड ओनली रीजन है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े ऑपरेटर, बड़े बड़े फंड मैनेजर जिनके पास 100-100 करोड़ का फंड्स मैनेज करते हैं, वो लोग अभी इस NBFC को, मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को, अपने पोर्टफोलियो से हटा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, देखिए 20 अगस्त तक आपको तो पता है रिलायंस निफ्टी में था, सेंसेक्स में भी लिस्टेड था, निफ्टी में भी था, सेंसेक्स में भी लिस्टेड था, मतलब दो इंडेक्स में लिस्टेड है। तो रिलायंस का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि रिलायंस एक कंपनी ही मतलब पूरा निफ्टी को हिला देता है या फिर सेंसेक्स को हिला देता है। तो रिलायंस बहुत बड़ा कंपनी है एंड इंडेक्स के ऊपर उसका ज़्यादा असर पड़ता है। पर अभी जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेस है वो ना ही निफ्टी में रहेगा ना ही सेंसेक्स में रहेगा फिलहाल है। पर जैसे ही 29 अगस्त आता है, 28 अगस्त लास्ट डेट है, 29 अगस्त से निफ्टी एंड सेंसेक्स से दोनों इंडेक्स से रिलायंस का जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो हट जाएगा, मतलब टॉप कंपनीज में काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसके वजह से बहुत लोग क्या होते हैं, जिनके मान लो आप भी एक छोटे रिटेलर हो, आपने रिलायंस का शेयर खरीदा हुआ है, तो आपके पास भी अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर आ गए होंगे। तो ऐसे भी होते हैं कि बहुत रिटेलर्स भी सेल कर देते हैं, उनको कंफर्टेबल नहीं है बैंकिंग सेक्टर में, तो वो लोग भी सेल कर देते हैं, इसलिए लोअर सर्किट बार बार लगा रहा है। तो फ्यूचर क्या है इस स्टॉक का, फ्यूचर क्या है इस कंपनी का? देखिए अभी की बात करें तो कंपनी का मतलब नो डाउट कि कंपनी अभी लेंडिंग बिजनेस में आने वाली है, इंश्योरेंस में आने वाली है, फिर जियो मनी का भी कुछ मतलब हो सकता है, पर अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ है। 20 अगस्त को कंफर्म होगा कि कंपनी कौन से सेक्टर में काम करेगी, क्या उसका मतलब फंडामेंटल्स क्या रहेगा, सब कुछ कंपनी जो है 20 अगस्त को AGM का मीटिंग होगा, AGM मीटिंग में सब कुछ डिस्कशन करेगी कंपनी। उसके बाद हम सोच सकते हैं कि ये हमको लेना है या नहीं लेना है। अभी अभी लोअर सर्किट लगा रहा है, मेरे को लग रहा है कि थोड़े और दिन तक, 4-5 दिन या फिर एक हफ्ते तक, 29 अगस्त तक ये लोअर सर्किट लगाता ही जाएगा। जैसे ही 180-200 आएगा उसके बाद से हम देखेंगे कि यहाँ पर बाइंग भी आएगी। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइंग मतलब बाइंग 100% आएगी, पर बाइंग आएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सेटल होने दीजिए। नो डाउट 261 में लिस्टिंग हुआ था, पर बहुत सारे एक्सपर्ट बोले थे कि इसका जो रियल वैल्यू है वो 150 से 180 तक होना चाहिए। तो अभी तक हमको इस पता ही नहीं है कि इसका सपोर्ट क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है। मतलब 3 दिन पहले कंपनी लिस्टिंग हुई है एंड अभी से अगर हम सब कुछ डिस्कशन करेंगे, मतलब इसका सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस क्या है एंड अभी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, वो सब अभी डिस्कशन नहीं किया जा सकता। 29 अगस्त के बाद ही हम डिस्कशन कर सकते हैं कि ये हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और प्रेजेंट टाइम की बात करो, देखिए एक चीज़ होता है, जो भी मतलब नए नए इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, ट्रेडिंग तो छोड़ दीजिए, इसमें ट्रेडिंग अभी मतलब पॉसिबल नहीं है, 29 अगस्त के बाद से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मान लो बहुत सारे मतलब छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको डर मतलब जो नए नए हैं, बिगिनर्स है, एक वर्ड है, एक टर्म है शेयर मार्केट में, FOMO, फोमो, मतलब इसको कहा जाता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको क्या लगता है कि जैसे मान लो आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर प्राइस जो 236 में है, तो उनको क्या लगता है शायद मेरे को बाद में ये 236 का ना मिल पाए, तो वो लोग क्या करते हैं बाय करते जाते हैं, 4-5 दिन बाय करते हैं, जैसे ही लोअर सर्किट बार 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 लगाता है तो वो लोग क्या करते हैं फिर वह सेल करके निकल जाते हैं, तो उनका वहाँ पर लॉस होता है एंड वो लोग बोलते हैं कि ये घटिया कंपनी है या फिर ये घटिया स्टॉक है। पर वैसा नहीं होता, अभी तक कुछ कन्फर्मेशन आया नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि अच्छा कंपनी है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी अभी तक कहा नहीं जा सकता। नो डाउट लोअर सर्किट लगा रहा है एंड मैं यही रिकमेंड करूँगा कि फिलहाल के लिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा वेट कीजिए, इसको थोड़ा मतलब हलचल होने दीजिए। 29 अगस्त के बाद एक कन्फर्मेशन न्यूज़ मिलेगी कि ये अच्छा मतलब स्टॉक है या नहीं है। और इतना भी मैं मतलब गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जिस दिन इसका लोअर सर्किट हटेगा, जिस दिन ये कहीं पर मतलब कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद अच्छा खासा इसमें बाइंग आएगा एंड कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ेगा। पर वो लोअर सर्किट कब तक चलेगी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब हटेगी, कंपनी तो अच्छी है, मतलब अभी तक जैसे लग रहा है कि कंपनी अच्छी है अभी तक के लिए, 29 अगस्त को पता चलेगा कि कंपनी एक्चुअल में क्या है। तो अभी के लिए आपको आपसे बस यही रिकमेंडेशन है कि अभी इसको जाने दीजिए, बाकी स्टॉक पे कंसंट्रेट कीजिए, इसको थोड़ा भूल जाइए, देखते हैं क्या होता है 29 अगस्त के बाद। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड वीडियो को भी लाइक कीजिए एंड अगर आपके दोस्त लोग कोई इंटरेस्टेड हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए। तो जैसे ही 29 अगस्त आता है मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा एंड उस दिन आपको कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस
ठीक है, मतलब कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कहाँ उनका प्लानिंग है, कितने उनके एसेट्स हैं, लायबिलिटी, और सबके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। 29 अगस्त या 30 अगस्त को वो वीडियो आ जाएगा आपके पास। तब तक के लिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।